बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस ज़माने में एक लड़की को कैसा होना चाहिए, तो बराए करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो सुनने से पहले बस एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। दौरे हाजिर में जहाँ हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है, ऐसे में प्यारी बहनों के नाम एक पैगाम लिखना चाहती हूँ। जैसे कि ये वैसे भी फितने का दौर ज़माना गलत नहीं, बस लोगों ने इसको ख़राब कर रखा है, चल रहा है। ऐसे में बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होंगी जो बहुत कमज़ोर होंगी, जो हक बात कहने से डरती होंगी, जो बाज़ दफ़ा अपने माँ बाप की गलत बातों को भी सह जाती होंगी, जो इस डर से लोगों की बात मान लेती होंगी कि ये अगला बंदा ताकतवर है, वो इसके मुकाबले में कमतर हैं। और इस तरह वो लड़कियाँ भी होंगी जो अपने शौहर के साथ रह तो रही होंगी, लेकिन इनके हकूक़ शौहर पूरे नहीं कर रहे होंगे, या वो लड़कियां अपने ससुराल वालों के बोझ तले खुद अभी होंगी कि कहीं कुछ कह दिया तो शौहर नाराज़ ना हो जाए, नन नाराज़ ना हो जाए, सास को बुरा ना लगे। ऐसे में इन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि कभी किसी इंसान से मत डरना, क्योंकि कोई इंसान किसी को रिस्क नहीं देता। अल्लाह की वाहिद ज़ात से डरना है, क्योंकि इसी से ही डरना चाहिए, लोगों से नहीं। इतनी मजबूत बन जाओ कि लोग कोई इंसान चाहे तुम्हें इससे शदीद मोहब्बत ही क्यों ना हो, तुम्हें वो तोड़ ना सके, तुम्हें कमज़ोर ना कर सके, तुम्हें गलत काम करने पर आमादा ना कर सके। आज से एक काम करो कि लोगों की बातों को दिल पर लगाना बंद कर दो। हाँ, ये काम ज़रूर करना। यकीन करो, मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में ये काम ऐड किया है, तब से मुझे लोगों की बात अगर बुरी भी लगे तो खुद को डपट कर खुद को समझा लेना प्यारी बहनों, वरना ये दुनिया तो कमज़ोर लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करती। बड़ों का अदब एहतराम लाजमी करना, ख़ुद को हमेशा हर नार महरम के आगे सख्त रवैये में रखना, इनसे मीठे लहजे में हम कलाम मत होना, ताकि इनके दिलों में किसी तरह का मर्ज ना पैदा हो। और अल्लाह की हदूद का ख्याल रखना, चाहे मर्द हो या औरत, अपनी निगाहों की हिफाजत करना इसकी अव्वल ज़िम्मेदारी है, ताकि किसी तरह का कोई फितना पैदा ना हो। एक बात याद रखना कि जहाँ पर तुम्हारा नसीब जुड़ा होगा, जहाँ पर अल्लाह ने किस्मत पे लिखा होगा, वहाँ पर ही तुम्हारा रिश्ता और निकाह होगा। इसलिए ख़ुद को कभी मत थकाना, जहाँ पर गलत को देखना तो इसको रोकने की कोशिश करना, हाथ से, ज़बान से या फिर दिल से बुरा समझकर ख़ुद को हमेशा नामहरम मर्दों से छुपा कर रखना, ये सबसे अहम काम है जो हर लड़की को करना चाहिए। यानी अगर हो सके तो मुकम्मल पर्दा करे, लेकिन अगर ये नहीं कर सकती तो कम से कम घर से बाहर जाते हुए ख़ुद को अच्छे से छिपा कर जाए, या तो बुरका पहनकर और निकाब करके। और अगर ये नहीं कर सकती तो कम से कम इतनी बड़ी चादर ले ले कि जो इसके जिस्म की नुमाया तमाम नुमाया आज़ा को छुपा सके, तो ये भी बेहतर है। इससे ये होगा कि कोई आपको कोई बुरी बात नहीं कह सकेगा। मोमिन औरतें हया वाली होती हैं, जो अपनी चादर की हिफाजत करती हैं, और अपनी इज्जत की भी, जो खुद हिफाजत करने वाली होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को सीखने की कोशिश करें, कुरान मजीद को तफसीर से पढ़ें, ताकि पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। इस तरह से राह हिदायत पर चला जा सकता है। कोशिश से हर चीज़ मुमकिन है। हमेशा सच का साथ देने वाला बनना है। याद रखना कि झूठ के रास्ते आसान लगते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन करीब जाकर पता लगता है कि ये तो बहुत भयानक झूठ है। फिर बाद में इंसान को पछतावा होता है, इसलिए बेहतर है कि वक्त रहते संभल जाए। एक बात सबसे अहम है कि कभी भी ज़ुल्म पर चुपचाप रहना, जब इस्लाम ने भी ज़ुल्म पर आवाज़ उठाने का कहा है, तो आप
आपने चुप करके माँ बाप के खातिर या अपने बच्चों के खातिर सास ननद या शौहर का जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना। अगर बात ऐसी है कि शौहर से बात ख़त्म करके ख़त्म हो सकती है तो बातचीत से हल करें, और अगर ऐसे नहीं तो बड़ों को ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि इसका हल निकाला जा सके। एक लड़की को ऐसा होना चाहिए जिसमें हया तो हो ही, लेकिन वक्त आने पर हजरत खौला जैसी हस्ती तक बनने से गुरेज ना करे। ये वो है जिन्होंने अपने भाई को बचाने की खातिर बहुत से दुश्मनों की गर्दनें उड़ा दी थी। तो मजबूत और बाहिम्मत होना सीखो लड़कियों, बात बात पर रोना तुम्हें हरगिज सूट नहीं करता। इस तरह तो लोग तुमको बेवकूफ़ और कमज़ोर समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया करेंगे। ये तो गलत है ना। फिर तो ख़ुद को हर तरह से मजबूत रखो। एक लड़की को इतना पाक होना चाहिए और किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई इल्ज़ाम लगाए तो लोग भी इस लड़की के हक़ में गवाही दें। और ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ख़ुद को साफ़ सुथरा रखो और घर को भी साफ़ रखो। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। दिल की सफाई से अल्लाह खुश होता है और जिस्मानी सफाई भी अल्लाह को बेहद पसंद। जो मर्द ये समझते हैं कि औरत बेवकूफ़ है तो ये याद रखें कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक ज़हीन औरत का हाथ है। आप तारीख़ का ही मुताला कर लें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जिन्होंने मेरे नबी पर जब पहली वही नाजिल हुई तो तसल्ली दी। इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हा का किरदार इतना अहमियत का हामिल है, और हज़रत बीबी फ़ातिमा और फिर हजरत के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी साहबजादी हज़रत अस्मा का किरदार कितना अहमियत का हामिल है। कैसे इन्होंने मुशक्क़त करके और वो अपने वालिद और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर जाती थी, और हज़रत अबू जहल से थप्पड़ तक खाए मगर इनका यानी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना बताया। हाँ, ये तो बहुत नेक व्यवहार हैं। इन जैसा कोई नेक नहीं हो सकता। ये इतने में बड़े हैं। औरत का किरदार हमारे इस्लाम में भी बहुत अहमियत का हामिल है, और आज भी बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिन्हें बहनें और बीवियां हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है, और हर मर्द की कामयाबी में। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।